If you run, you have a chance of losing. If you don't run, you have already lost. अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो आपके पास हारने का एक मौका है, लेकिन आप नहीं दौड़ना चाहते हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज का एक वीडियो है वो तिल के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के मौके पर आज मैं आपको तिल के बारे में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट तिल के बारे में। तो दोस्तों, तिल में मोनो सैचुरेटेड एसिड फैट होता है जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारे दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। और कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो दिल से जुड़ी बीमारियां खतरे से बाहर। तो तिल में सेस्मिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। तो तिल में पाए जाने वाले विटामिन हैं कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरलियम, आयरन, कॉपर समेत कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन सर्दियों में तिल का सेवन करने से दिमाग की ताकत बढ़ती है। रोजाना अगर हम तिल का सेवन करते हैं तो हमारी याददाश्त भी कमजोर नहीं पड़ती और बढ़ती उम्र में दिमाग पर भी असर नहीं पड़ता। तिल में मौजूद पोषक तत्व हृदय के यानी कि हार्ट के मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करता है। बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए भी तिल बहुत फायदेमंद, क्योंकि इसमें डाइट्री प्रोटीन और अमीनो एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन से युक्त तिल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि अगर इसकी यानी कि तिल की मात्रा ज्यादा अगर हम सेवन करते हैं तो इससे एलर्जी और जलन की भी समस्या हो सकती है। तो तिल का सेवन ध्यान पूर्वक और ठीक से करें। कोई भी चीज हो लाइफ में अगर लिमिटेड में खाया जाए और ठीक से खाया जाए तो उसका शरीर पर असर बहुत अच्छा होता है। एक दिन में कोई जादू तो नहीं होता, पर कोई भी सही चीज को अगर हम धीरे धीरे अगर ले तो हमारे शरीर के लिए कोई भी चीज बहुत अच्छा है होता है। तो मेरे इस वीडियो को आपको देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे